हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं एक बार फिर से PKXD की वीडियो लेके आ चुका हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये PKXD का नया अपडेट है, यानी कि एनिमे सीजन चल रहा है। तो जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो ये वीडियो अब की बार नई मिनी गेम की होने वाली है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ना वो मिनी गेम चल नहीं रहा था, उसमें एरर दिखा रहा था कोई बग की वजह से। तो PKXD वालों ने एक नया मिनी अपडेट दिया था, उसमें ये फिक्स हो गया है और भी ये सक्सेसफुली चल भी रहा है। तो मोस्टली जो प्लेयर्स हैं ना, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली गेम खेलना कैसे है, तो वही मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें एंटर करके सारे फीचर्स बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको सीक्रेट बॉक्स और जो नए स्टिकर्स हैं उनको कैसे अनलॉक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे ही इसमें एंटर करोगे ना, तो एक जैसे बिल्डर का वो इंटरफेस आता है वैसे ही आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा नीचे जाना है और आपके पास ये 3 पावर्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पावर है जो आइस वाला, एंड सेकेंड वाटर, एंड थर्ड वाला जो विंड है वो थंडर स्टॉर्म का वो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कुछ नहीं है इस गेम में, बस आपको इंजॉय करना है, ठीक है। ये ना ही कोई मिनी गेम है। तो गाइस देखो, आप ये है ना फर्स्ट वाला जो अपना है थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो आप जैसे इसको फेंकोगे ना, तो आपको हवा में उड़ा देगा और आप ऐसे मतलब एयर में फ्लोट करोगे। अब सेकंड वाला अपना ना गाइस, तो ये वाटर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाटर वाला आपको यूज़ कैसे करना है। वाटर पर जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको ना ऐसे मतलब फ्लोटिंग वाला जो पानी का होता है वो आपको तैराएगा, मतलब पानी में आप फ्लोट करने लगोगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये देख रहे हो। तो ये आपको ना लेके जाएगा अपने साथ, जैसे वो सी के वेव्स नहीं आती वैसी टाइप की। एंड थर्ड वाला गाइस आपका, देखो ये ना वाटर, एक तो जैसे मैंने वाटर बता दिया आपको, साथ में मैंने आपको ये थंडरस्टॉर्म बता दिया, एंड थर्ड वाला अपना आइस, ठीक है। अब जैसे ये आइस वाला पावर यूज़ करोगे तो क्या होगा, ये आपको ना मतलब आइस स्केटिंग शूज दिला देगा और आप उसमें स्केट कर सकते हो। बस मतलब इंजॉय करने के लिए चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल चीज़ें ही हैं जिसमें जो 3 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बस यही होगा और आपको ना इंजॉय करना है, ठीक है। तो चलो मैं अब आपको सीक्रेट बॉक्स की लोकेशन भी बताता हूँ। गाइस आपको आना है इस पेड़ पे के ऊपर, ठीक है, और पेड़ से यहाँ से आप मोबाइल से अपना कोई भी आर्मर पहन लो, एंड ये वाला जो ट्री है ना इसके टॉप पर जाना है आपको, और वहाँ पे एक सीक्रेट बॉक्स दिखेगा आपको, ठीक है, मैं आपको जल्दी में दिखा देता हूँ। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब मैंने ग्रेविटी आर्मर को यूज़ किया, तो मैं ना यहाँ पे टॉप पे पहुँच चुका था और मेरे को ये सीक्रेट बॉक्स भी दिख गया था। आपको अपना साइज छोटा कर लेना है, यानी कि बेबी साइज कर लेना है, उसके बाद ये सीक्रेट बॉक्स आप कलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 3 जेम्स मिलेंगे, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ आपको स्टिकर्स कैसे अनलॉक करने हैं। गाइस सबसे पहले ना आपको इस जो मतलब ट्री है ना, इसके सबसे टॉप पर जाना है। देखो टॉप पे जाने के बाद ना आपका सीक्रेट स्टिकर्स अनलॉक हो जाएंगे, एंड यहाँ पे देखो मेरे को सीक्रेट स्टिकर्स मिल चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक का नाम है भाई कुछ ऐसे गेन बैटल, पता नहीं क्या है, जैन बैटल जो भी है वो, और मतलब पावर यूज़ करने थे आपको। एंड सेकंड में है बाका, यानी कि फेल फ्रॉम द एनिमे एरिना, तो आपको उधर से नीचे गिरना है, ठीक है, जो पूरा वो आइलैंड है उससे नीचे। एंड थर्ड वाला है ये नानी टाइप का, एंड इसमें बोल रखा है कि आपको ट्री के ऊपर टॉप पे जाना है, ठीक है। तो 3 स्टिकर्स मिलेंगे आपको, इन सबको अनलॉक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि स्टिकर्स कैसे अनलॉक करने हैं, तो आपको ऐसे सेम टू सेम करना है। तो बस यही थी गाइस आज की वीडियो में, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।